हाँ, जय हिंद कलर वाले भाई लोग। दीपू में आप लोगों का है, आज आपका कितना डेट है? 23 सितंबर। अब आप लोगों को मैं वीडियो जल्द से जल्द सोचा हूँ प्रोवाइड करा दूँ। ये टाइपिंग के लिए, टाइपिंग के लिए बहुत सारा आ रहा है, जो भी छोटा सा अपडेट देना है अपडेट आपको दे दूँ। लाइव आने पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं इसी तरह से आपको बता दे रहा हूँ कि टाइपिंग का आपका क्या सीन चल रहा है। कि जैसे कि आपका पहले रनिंग हो गया, रनिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन हाइट वेट चेस्ट होने के बाद आपको टाइपिंग पर बिठाया जाता है। जब टाइपिंग आप करते हो, टाइपिंग करने के बाद आपको 1 घंटा 2 घंटे तक लग सकते हैं रिजल्ट मिलने में। अब रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा कि पिछले बार क्या हो रहा था कि आप अगर क्वालिफाई कर लिए, मान लीजिए क्वालिफाई कर लिए, तो आपको 2 सीट मिलता था। एक पे तो आपका एक सीट पे क्या होता था कि आपका टाइपिंग का पैरा ऊपर आपका पैराग्राफ होता था, नाम और नीचे पैराग्राफ, ऊपर नाम, स्पीड सब कुछ दिखाया रहता था, एक पेज दिया जाता था, ठीक है। और एक पेज आपको और साथ में दिया जाता था कैंडिडेट्स रिजेक्शन स्लिप दिया जाता था। तो दो सीट आपको दिया जा रहा। अब क्या किया गया, लंबी वाले सीट को रख लिया गया है, टाइपिंग वाले को हटा दिया गया, सिर्फ आपको एक छोटी सी इसी A4 का आधा कैंडिडेट्स रिजेक्शन स्लिप दिया जा रहा है, बस इतना ही। आपको वर्ड पर मिनट कितना आ रहा है, क्या पैराग्राफ है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। टाइपिंग क्वालिफाई अगर आप कर जा रहे हो तो उन लोगों को एग्जामिनेशन का डेट मिल जा रहा है। एग्जामिनेशन का डेट आपका 15 अक्टूबर है। जो लोग टाइपिंग में फेल हो जा रहे हैं उनको एक रिजेक्शन स्लिप मिल जा रहा है, बस यही एक ही सीट मिल रहा है, जो पास हो रहा है उसको भी, जो फेल हो रहा है उसको भी, ठीक। बस यही था कि आपसे बता दूं कि कैसे क्या हो रहा है। तो ये क्यों मैं बताया हूँ कि टाइपिंग का, जैसे कि मैं पैराग्राफ पूछने की कोशिश किया बहुत लोगों से, तो इसमें कोई भी कैंडिडेट टाइपिंग का पैराग्राफ कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। अब मैं 2-3 कैंडिडेट से नॉर्थ ईस्ट के थे, वो हिंदी समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो मैं उनसे इंग्लिश में बात किया, तब भी उसके बाद पूरा एक्सरसाइजेस दिखाया, कुछ भी मतलब कि नहीं बता पा रहे हैं। बोल रहे हैं एक्सरसाइजें जो हैं कि ठीक ठाक आ रही हैं। अब मतलब कि ठीक ठाक का मतलब कि उनके बैच से 300 में से 5 लोग क्वालिफाई किए थे, ठीक है, 300 में से 5 लोग क्वालिफाई किए थे। बस यही है कि आप अपना करते रहिए तैयारी, जाइए रैली में, और आप जैसे देकर के आ रहे हैं जो भी हो रहा है आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद जय भारत।